हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। इससे पहले के जो लेक्चर में हमने टाइप वन किया था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम क्या करते थे कि जो वाई का फंक्शन था उसको डी वाई के साथ और जो एक्स का फंक्शन था उसको डी एक्स के साथ सेपरेट करते थे, फिर उसे इंटीग्रेट करते थे, हमारा आंसर आता था। चेंज ऑफ वेरिएबल को हम रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, जो एक्स और वाई का फंक्शन होता है वो एक्स इजिली डी एक्स के साथ और वाई इजिली डी वाई के साथ सेपरेट नहीं हो पाता है, तो हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे सपोज अगर जो इक्वेशन दी है उसमें ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म दिया है या एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स माइनस वाई दिया है, इस टाइप का जो भी फॉर्म दिया है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में लेकर आते हैं और फिर हम उसे इंटीग्रेट करके आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू वी, मतलब एक्स और वाई का जो भी फंक्शन दिया होगा उसको हम वी मान लेते हैं। फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकेंड आपकी ये हो गई, डिफ्रेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए एक्स का हो गया वन प्लस बी वाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सी हो जाएगा आपका जीरो एक्स के रिस्पेक्ट में डी वी ओवर डी एक्स। यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी वी ओवर डी एक्स माइनस ए इंटू वन अपॉन बी, ठीक है, यहां से आ गया ये। अब इसके बाद इक्वेशन थर्ड में आपको किसकी वैल्यूज मिल रही है, डी वाई ओवर डी एक्स की। इक्वेशन टू में आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू आपने क्या लिया है, वी। इन दोनों की वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, वन अपॉन बी डी वी ओवर डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू कितना हुआ, वी। यहां से अगर हम सेपरेट करें वेरिएबल एक्स को एक्स के साथ और वी को डी वी के साथ, एक्स को डी एक्स के साथ और वी को डी वी के साथ, तो कितना हो जाएगा ये, डी वी ओवर डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी इन टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ वी। ये हो गया डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी फंक्शन ऑफ वी प्लस ए, राइट हैंड साइड में गया पॉजिटिव हो गया। अब यहां से अगर हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, साइड में हम लिखेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन बी इंटू फंक्शन ऑफ वी प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स। उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वी फाइंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यहां से हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, वी के साथ वी का आ गया, डी वी के साथ सारे वी के फंक्शन आ गए और एक्स को हमने डी एक्स के साथ सेपरेट किया। जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है चेंज ऑफ वेरिएबल में। उसके बाद हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की तरह जैसे हम सॉल्व करते आए हैं उसी टाइप से हमको सॉल्व करना है। इसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर हम x और y को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें x dx के साथ और y dy के साथ सेपरेट नहीं होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे। जैसे x माइनस वाई, मतलब x और y साथ में होंगे, या तो x प्लस वाई होगा या x माइनस वाई होगा या 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई, इस टाइप से जो भी x के साथ y का फंक्शन होगा उसको हम v मान लेंगे। फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर ये इक्वेशन सेकेंड हो गई हमारी, जो गिवन है उसे हमने फर्स्ट मान लिया, तो कितना हो जाएगा, वन माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। यहां से हमें देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमने v लिया है और डी वाई ओवर डी एक्स की अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो हम यहां फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां से डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो गया वन माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, ये हो गई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। इन वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई इज इक्वल टू है v, तो v स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, इसे लिखेंगे हम वन माइनस डी वी ओवर डी एक्स,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं वन माइनस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अगर हम इसे डी वी ओवर डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। एलसीएम लेने पर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। अब यहां से अगर हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, लिखेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग, ये हो जाएगा हमारा, या क्या डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसमें माइनस ए स्क्वायर कर दें और प्लस ए स्क्वायर कर दें तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स, हमने इसमें क्या किया है इंटीग्रेट किया है तो एक कॉन्स्टेंट एड हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में हुआ वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वी। ये हमारा वन का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स प्लस सी, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी। यहां से वन का इंटीग्रेशन कितना होगा वी प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है जैसे वन अपॉन, यहां पर अगर नहीं मालूम है तो वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा वन अपॉन टू ए, ए की वैल्यू ए है यहां पर एक ही जगह, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए, एक्स की जगह यहां पर क्या है वी है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक्स प्लस सी चल रहा है, ये हो गया एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहां पर अगर हम वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें वी इज इक्वल टू कितना लेकर चले थे हम एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस ए बाय टू लॉग ऑफ, यहां पर वी इज इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स वी प्लस ए एक्स माइनस वाई प्लस ए, ये हुआ। अब यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू एक्स प्लस टू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस टू वाई प्लस ए बाय टू लॉग ऑफ, ये हो गया एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए। एलसीएम लेने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टू गया यहां से, इसमें 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y प्लस सी, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a log of x माइनस y माइनस a अपॉन x माइनस y प्लस a इज इक्वल टू 2y प्लस 2c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व एक्स प्लस वाई माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस बी। इसमें हमें क्या करना है, यहां पर भी एक्स प्लस वाई सभी में प्लस ए या प्लस बी नहीं है, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस ए 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 सभी में होता तो हम एक्स प्लस वाई प्लस ए को भी हम वी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है जो कांस्टेंट है उनके साइन चेंज है, कांस्टेंट भी चेंज है, किसी में माइनस ए है माइनस बी है प्लस ए है प्लस बी है, तो यहाँ पर जो सेम है जैसे एक्स और वाई का जो फंक्शन सेम है वैल्यू एक्स प्लस वाई ये सभी में है तो इसको हम क्या करेंगे वी मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और ये इक्वेशन हमारी सेकेंड। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट सेकेंड कितना हो जाएगा वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां से डी वाई ओवर डी एक्स की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन।
अब dy ओवर dx की वैल्यू dv अपॉन dx माइनस वन यहां रख देंगे और x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, तो फंक्शन हमारा किसमें बन जाएगा, v और x में। तो यहां पर हम रखेंगे पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन, ये हो जाएगा v प्लस v माइनस ए अपॉन v माइनस बी। dy ओवर dx कितना है, dv अपॉन dx माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v प्लस ए अपॉन v प्लस बी। अब dv ओवर dx माइनस वन, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा v प्लस ए अपॉन v प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा v माइनस बी अपॉन में v माइनस ए। माइनस साइन को इधर ले जाएंगे माइनस वन को, क्या हो जाएगा प्लस वन। dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस बी वी प्लस ए वी माइनस ए बी अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, v स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी वी माइनस ए बी प्लस वन। यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं इसका, ये हो गया dv ओवर dx इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी वी माइनस ए बी। न्यूमरेटर में एज इट इज वी स्क्वायर माइनस बी वी प्लस ए वी माइनस ए बी प्लस वन लिया है, तो इसमें वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी वी माइनस ए बी। कुछ कैंसिल हो सकता है तो हम कैंसिल कर देंगे, प्लस ए वी एंड माइनस ए वी, प्लस बी वी एंड माइनस बी वी, ये हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू वी स्क्वायर माइनस टू ए वी। तो टू कॉमन लिया हमने, वी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी फॉर्म में अगर हम डिनोमिनेटर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए बी, सेम है ये वी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां पर हम प्लस अगर कॉमन लेते हैं वी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए बी वी माइनस ए बी, बी वी माइनस ए बी। अब यहां से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लिखेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी इंटू बी माइनस ए अपॉन में कितना आएगा, वी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू डीवी, ये क्रॉस में चला गया और डीवी के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया टू इंटू डी एक्स। और इसे साथ में हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये वी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब वन प्लस वी इंटू, इसको सेपरेट कर लेते हैं वन डीवी, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया वन बचा, फिर प्लस इंटीग्रेशन v इंटू बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू डी वी इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट एड हो जाएगा c, वन का इंटीग्रेशन x, यहां पर वन का इंटीग्रेशन कितना होगा v के रिस्पेक्ट में v प्लस, यहां साइड में हम देखते हैं कि इसको हम सब्सटीट्यूशन से कर दें, वी स्क्वायर माइनस ए बी जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको अगर हम t मान लेते हैं, फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टू वी डी वी, क्योंकि ए बी तो कांस्टेंट है जीरो इज इक्वल टू डी टी। तो यहां पर कितना आएगा ये बी माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, फिर वी डी वी, वी डी वी इज इक्वल टू कितना होगा वन बाय टू मतलब वन बाय टू, फिर वी डी वी, वी डी वी इज इक्वल टू डी टी बाय टू, तो वन बाय टू और डी टी, डी टी अपॉन टी, वी स्क्वायर माइनस ए बी टी, ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी मतलब लॉग टी, हम यहां डायरेक्ट लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सी। यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा टू वी प्लस बी माइनस ए लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू सी। वी की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, v इज इक्वल टू हम क्या लेकर चले थे यहां पर x प्लस वाई, वी इज इक्वल टू था हमारा x प्लस वाई, हमने एज्यूम किया था x प्लस वाई इज इक्वल टू v एज्यूम किया था, तो x प्लस वाई
प्लस बी माइनस ए लॉग ऑफ वी स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू सी। अब यह है टू एक्स प्लस टू वाई, टू एक्स प्लस टू वाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो फोर एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स, या इसको इधर लेकर आए तो ये टू वाई पॉजिटिव ही रहेगा, टू वाई पॉजिटिव रहेगा, और टू एक्स माइनस फोर एक्स मतलब माइनस टू एक्स प्लस बी माइनस ए लॉग ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, अगर हम टू सी को एक नया कॉन्स्टेंट मान लें सी डैश लिख सकते हैं, टू सी इज इक्वल टू दो कॉन्स्टेंट हो गए, दोनों कॉन्स्टेंट को हमने मिला के एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया सी डैश, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, डीवाई ओवर डी एक्स, डीवाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स टेन ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। यहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसमें y माइनस एक्स में है तो x x के dx के साथ और y dy के साथ सेपरेट नहीं हो सकता है, तो हम इसमें भी क्या करना है हमको y माइनस एक्स इज इक्वल टू हम t मान लेते हैं, कोई भी v वेरिएबल या t वेरिएबल कोई भी वेरिएबल मानते हैं, तो यहां पर जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy ओवर dx माइनस वन इज इक्वल टू dt ओवर dx, देन dy ओवर dx की हमको वैल्यू चाहिए, dy ओवर dx कितना आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा dt ओवर dx प्लस वन। अब इन वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, क्योंकि हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू टी आ गया और dy ओवर dx की वैल्यू dt ओवर dx प्लस वन आ गई, इसका मतलब t और x में वेरिएबल हमारे t और x में जो हमारा y और x में था वो किस में आ गया t और x में आ गया, वहां से हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा dy ओवर dx मतलब dt अपॉन dx प्लस वन माइनस एक्स टेन y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t tan t इक्वल टू वन, वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा dt ओवर dx इज इक्वल टू हो गया x tan t, राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव हो गया, यहां से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dt अपॉन tan t मतलब इसको हम cot t लिख सकते हैं और उसको इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू डी एक्स, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट हमारा एड हो जाएगा, तो cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है ये होता है log sin t, cot t का इंटीग्रेशन log sin t इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक कांस्टेंट हमने ऐड किया, यहां पर t की वैल्यू हम क्या लेकर चले थे y माइनस एक्स इज इक्वल टू हमने t लिया था, ये हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप के चेंज ऑफ वेरिएबल में जो सम आते हैं वो इसी फॉर्म में आते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स या एक्स प्लस वाई या टू एक्स प्लस टू वाई, इस टाइप के जो भी मतलब x और y का फंक्शन एक साथ होगा x माइनस वाई या x प्लस वाई में, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम किससे करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल से, किसमें कन्वर्ट करेंगे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करते हैं हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थैंक यू।